जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेशर एसएसबी की न्यू क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम देखेंगे 13 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024? तो ये है ऑप्शन 1, इम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ प्रिसाइलेंट फ्यूचर। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 2, नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे ऑप्शन ए, वाराणसी में। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ये यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सोम में भारत द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये 20th इंटरनेशनल एजुकेशन शो, ऑप्शन ए, स्टडी इन इंडिया, ये अभियान शुरू किया गया है भारत के द्वारा। तो इस अभियान का उद्घाटन शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है, लोकेशन शारजा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो ये लेंगे नायब सिंह सैनी जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वॉर किसके द्वारा लिखी गई है? द रिसेंटली लॉन्च बुक वॉर इज रिटन बाय। तो ये बुक लॉन्च की गई है बॉब वुडवर्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। यह एक अमेरिकी पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती राज्यों में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण को मंजूरी दी है? रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड इन द बॉर्डर स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पंजाब बॉर्डरिंग पाकिस्तान। तो ये 2280 किलोमीटर का मंजूरी दी गई है। बजट जो है 4,406 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 पीक 800 मीटर हाई पीक ऑफ द वर्ल्ड? तो ये सबसे यंगेस्ट जो बना है ये नीमा रंजी शेरपा जी बने हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं। ये 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द 90th एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी स्टार्टेड विच गेम इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी? तो ये 90वां संस्करण शुरू हो चुका है। तो रणजी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। टोटल टीम 32 खेलेंगे और 89th एडिशन जो हुआ था ये रणजी ट्रॉफी का, ये मुंबई विनर थी इसकी, स्टार्टेड हुआ था 1934 में फर्स्ट टाइम, और जो विनर थी फर्स्ट टाइम के वो भी बॉम्बे थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अंतर संसदीय संघ IPU की 149वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की है? हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द डेलीगेशन ऑफ इंडिया एट द 149th मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU? तो ये ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है। ये इसका लोकेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड है। एस्टेब्लिश हुई थी 1889 में फर्स्ट टाइम, और ये इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो थैंक यू सो मच, ये रहा आज का करंट अफेयर। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। थैंक यू सो मच।